हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरेश और आज हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट की मदद से हम वेब पेज के अंदर के जो भी डेटा है उसको हम कैसे गेट कर सकते हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने आईडी, उसके टैग के थ्रू, सिलेक्टर के थ्रू अलग अलग प्रकार से गेट किए थे। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं उसकी। तो सबसे पहले मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर जाके मैं सिंपली इसको लाइव सर्वर के ओपन कर लेता हूँ। राइट क्लिक किया, यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर, यहाँ पर साइड बाई साइड रख देते हैं इसको। ओके, सिंपली इसको कॉन्सोल के अंदर ओपन कर देता हूँ। इंस्पेक्ट के अंदर जाके कॉन्सोल के ऊपर क्लिक किया। ओके, अब जब भी मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट और कर दूंगा एंटर तो ये पूरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा टास्क है जैसे कि हमारे वेबसाइट के अंदर जितनी भी लिंक है उनको हमें गेट करना है और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर बारी बारी उसको प्रिंट करके दिखाना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं अपना एंकर टैग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सिंपली रेफरेंस दे देते हैं और यहाँ पे इसको ओवर कर देते हैं ऐसे। ओके, इसके बीच में मैं लग देता हूँ लिंक वन, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 3, 4, 5। ओके, सिंपली मैं 5 लिंक ले रहा हूँ। अब इसके HREF में हाइपर रेफरेंस में लिंक देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे 1-2 लिंक हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिंक कॉपी पेस्ट की है। यहाँ पे सबसे पहले मैं नाम चेंज कर देता हूँ, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 और यहाँ पे 4 और ये वाला 5। ओके, यहाँ पे मैं अलग अलग नाम दे दे रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि कौन सा वाला लिंक कौन सा है। ओके, यहाँ पे ये सब लिंक यहाँ पे आ गई है। जैसे ही यहाँ पे लिंक 1 के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा YouTube ओपन हो जाएगा। ओके, ये हमारी लिंक चल रही है। ओके, तो सबसे पहला टास्क हमारा यही है कि जितनी भी लिंक है उनको बारी बारी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉन्सोल के अंदर यहाँ पे हमको प्रिंट करके देखना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे लिखूंगा script.js के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेस्टिंग के लिए console.log और इसके अंदर लिख दूंगा सिंपली हेलो। सेव किया, ओके, देखते हैं। ओके, यहाँ पे आ गया, यानी ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे HTML के अंदर जितने भी टैग है एंकर टैग उन सबको टारगेट करना है। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं दो चीज़, जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं क्लास के थ्रू यानी .getElementByClass या तो फिर टैग के जरिए .getElementByTag। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि यहाँ पे एंकर टैग एक सब में कॉमन है तो यहाँ पे हम टैग यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल links equal to, यहाँ पे मैं लिख दूंगा document.getElementByTagName। जैसे कि टैग नेम क्या है, हमारा एंकर टैग है तो यहाँ पे लिखूंगा a सेमीकोलन और यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सोल के अंदर हम ये सब चेक कर लेते हैं कि आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंक, ये वेरिएबल का नाम दिया है मैंने, आप कोई भी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा माई लिंक, ओके, आप कोई भी नाम दे सकते हो और इसी को मैं करवा देता हूँ यहाँ पे प्रिंट। ये किया सेव, ओके, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा होगा, यहाँ पे अलग अलग जो भी एंकर टैग थे सब यहाँ पे टारगेट हो गए और यहाँ पे पांचों के पांचों लिंक हमें मिल गए है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो भी लिंक है उसको बारी बारी यहाँ पे प्रिंट करना है। तो वो लिंक तो कहाँ है, वो एंकर टैग के अंदर है, एंकर टैग के अंदर भी कहाँ है, HREF का जो भी एट्रीब्यूट है उसका उसके अंदर है। तो वो हम कैसे कर सकते हो, तो आप एक काम कर सकते हो, आप सिंपली इसकी जगह एक दूसरा चीज ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ वेरिएबल माई लिंक इक्वल टू document.links। ये क्या करेगा, पूरे वेब पेज के अंदर जितनी भी लिंक है उन सबको यहाँ पे आपको लिस्ट आउट करके दे देगा, ये देखो। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आपको ये वाला document.links यूज करना है या तो फिर getElementByTag यूज करना है या तो फिर आईडी को यूज करना है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली ये getElementByTagName ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे इसको किया सेव, वही सेम टू सेम आउटपुट आएगा फ्रेंड्स, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से हमारे लिंक आ गए, लेकिन यहाँ पे तो 5 लिंक है तो हमको बारी बारी उसके अंदर का डेटा एक्सेस करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें कोई ना कोई लूप घुमानी पड़ेगी, जैसे कि हम घुमा सकते हैं फॉर लूप। यहाँ पे सिंपली लिखूंगा फॉर और इसके अंदर मैं लिखूंगा वेरिएबल आई इक्वल टू 0। क्यों मैंने 0 से स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है आपको, ये चीज़ ध्यान में रखना फ्रेंड्स। ओके, आई इज लेस देन स्पेस, हमें कहाँ तक लूप को घुमाना है, यहाँ पे उसकी लेंथ है 5। तो यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ माई लिंक्स
डॉट लेंथ, ये लेंथ मिल जाएगी, यानी यहाँ पे 0 से लेके 4 तक, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा है, तो यहाँ पे 0 से लेके 4 तक जो भी डेटा है वहाँ तक ये फॉर लूप घूमेगी, और लास्ट में मैं एक एक का इंक्रीमेंट करवा देता हूँ। यहाँ पे जाके इसको सेव किया, और कंसोल के अंदर सबसे पहले मैं आपको आई की वैल्यू को प्रिंट करवा के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आई की वैल्यू को मैंने किया प्रिंट, और यहाँ पे ये देखो 0, 1, 2, 3, 4 ये आ गई। यहाँ पे ये सब इंडेक्स के साथ मैच हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कंसोल डॉट आई की जगह हमें लिखना है सिंपली माई लिंक्स ऑफ आई। ये क्या करेगा, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 है, तो माई लिंक्स ऑफ 0 यानी ये जो भी 0 नंबर की इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है ये डायरेक्टली आपको प्रिंट करके दे देगा। दूसरी बार घूमेगी तब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये दूसरा एलिमेंट प्रिंट होगा, तीसरा प्रिंट होगा, इस तरह से पांचों लिंक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट, इसको कैसे। अब मैं इसको सिंपली रिमूव कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, ये देखो, ये पहली लिंक, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी और पांचवी हो गया। तो इस तरह से हमारी पूरी की पूरी लिंक प्रिंट होगी, लेकिन अभी भी हमें जो चाहिए लिंक वो हमें नहीं मिल रही है। क्यों, यहाँ पे तो जो भी टारगेट हुआ वो तो पूरा का पूरा एंकर टैग हो गया है। हमें एंकर टैग थोड़ी चाहिए, हमें तो उसके अंदर की जो लिंक है वो चाहिए, जो कहाँ पे है उसके अंदर, एंकर टैग के अंदर जो भी HREF नाम का एट्रीब्यूट है उसके अंदर है। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली आप, यहाँ पे आपको जाके सिंपली लिखना है लास्ट में बिग ब्रैकेट के बाजू में डॉट। जैसे डॉट लिखोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। VS कोड का फायदा यही है, सिंपली HREF लिखूंगा और यहाँ पे जाके कर दूंगा सेव। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया था, ये देखो आपने जितनी भी लिंक लिखी थी ये सब बारी बारी यहाँ पे आके प्रिंट हो रही है, ये देखो। ओके, ये देखो यूट्यूब आ गया, ये गूगल, ये फेसबुक, यूट्यूब जो भी था ये सब लिंक बारी बारी यहाँ पे आ गई है। ओके, तो इस तरह से जितनी भी लिंक है उसका URL आप ये इसे प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको URL प्रिंट नहीं करवाना है, आपको ये सब लिंक बारी बारी नई नई विंडो के अंदर ओपन करवानी है, तो आप क्या कर सकती हो, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंपली विंडो डॉट ओपन। हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था वहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर कि इसके थ्रू हम नई विंडो के अंदर वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, इसके अंदर सिंपली लिखना है URL। लेकिन अभी तो URL हमारे पास है नहीं, कहाँ पे है वो जो भी हमें डेटा दे रहा है उसके अंदर है, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली उस डेटा के थ्रू अभी हमने जो भी URL प्रिंट करवाया है वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि माई लिंक्स ऑफ आई, यानी वो अपने आप ले लेगा स्टार्टिंग में 0, 1, 2, 3 ऐसे लिंक चेंज करता रहेगा। और ये तो एंकर टैग प्रिंट होगा इसके अंदर, हमें क्या चाहिए, एंकर टैग के अंदर का एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखना है सिंपली डॉट, यहाँ पे लिखना है HREF। जैसे हम HREF लिखेंगे तो ये जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करवाई है वही वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और उसको ओपन कहाँ पे करना है, उसको ओपन करना है नई विंडो के अंदर, तो यहाँ पे जाके लिखो कॉमा डबल कोट के अंदर, ये देखो टारगेट आ रहा है, यानी आपको ये जो भी वेबसाइट है वो कहाँ पे ओपन करनी है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक, यानी हमें नई विंडो के अंदर चाहिए। तो इसको जाके मैं सबसे पहले सेव करूंगा, जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो क्या होगा, बारी बारी पांच विंडो ओपन हो जाएगी और उसके अंदर ये जो भी URL हमने पास किया है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको ये जो भी ओपन है पहले से उसको कर देता हूँ बंद ताकि आपको समझने में आसानी हो, और इसको कर देता हूँ सेव। जैसे मैं सेव करूंगा तो देखना फ्रेंड्स क्या होगा, ये मैंने किया सेव और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये देखो ये ब्लॉक हो रहा है फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे जाके सिंपली एलो कर देना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, वहाँ पे मेरा ये ब्लॉक हो रहा था इसलिए यहाँ पे वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे सिंपली इसको कर देता हूँ बंद और वापस हम ये ट्राई करते हैं, इसको किया वापस सेव, और यहाँ पे आप देख सकते हो पाँचों के पाँचों विंडो बारी बारी यहाँ पे ओपन हो गई और यहाँ पे हमारा आउटपुट दिखेगा। ये देखो स्टार्टिंग में कौन सी थी, हमारी लिंक थी YouTube वाली, तो ये देखो YouTube वाली सबसे पहले आ गई, उसके बाद ये कोड डिगर्स वाली, Google, यहाँ पे Facebook और यहाँ पे कोड डिगर्स का जो भी YouTube का चैनल था उसका URL सक्सेसफुली एक के बाद एक यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके, तो इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो। अब सिंपली इसको मैं कर देता हूँ बंद। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको लाइव वेबसाइट के ऊपर भी ये कोड रन करके दिखाता हूँ, जो भी हमने लिंक सिंपली कंसोल के अंदर प्रिंट करी थी वही कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स कि अगर आपने बहुत सारी लिंक एक साथ ले दी तो यहाँ पे आपका ब्राउजर क्रैश भी हो सकता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। मैं सिंपली यहाँ पे आपको रेकमेंडेड करूँगा कि आप सिंपली कंसोल के अंदर टेस्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये लिंक प्रिंट कर मिल जाएगी। यहाँ पे ये डॉट वाला भूलना मत क्योंकि उसका एट्रीब्यूट है, यहाँ पे एंकर टैग का अंदर का एट्रीब्यूट प्रिंट करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके,
तो इस तरह से आप आउटपुट देख सकते हो। यही चीज हम लाइव वेबसाइट के अंदर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे जाके सिंपली youtube.com के ऊपर हम यही कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे जाके सिंपली इंस्पेक्ट के अंदर, ओके इस इंस्पेक्ट के अंदर लिखूंगा मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड, कहाँ पे कंसोल के अंदर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे यही कोड मैं करूँगा कॉपी पेस्ट, इसको किया कॉपी, यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, सबसे पहले इसको कर देता हूँ डिलीट, यहाँ पे किया पेस्ट और कर दिया एंटर। ओके जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये देखो जितने भी एंकर टैग थे तो उसके अंदर जितनी भी लिंक थी वो बारी बारी यहाँ पे आ गई है, ये देखो आती गई ये देखो। और एक और बात फ्रेंड, यहाँ पे ये देखो आपको ये भी दिख रहा होगा एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी ये जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर कोई यूआरएल है ही नहीं, फिर भी वो प्रिंट हो रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपली ये एक लाइन ऐड करनी है, आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पे जाके मैं इसको इफ कंडीशन के अंदर रख देता हूँ, इसको क्या कट, यहाँ पे लिख देता हूँ इफ माय लिंक्स ऑफ आई डॉट एच आर ई एफ डॉट लेंथ, ये जो भी हमारी यूआरएल की लेंथ है वो बड़ी हो जीरो से, अगर ये कंडीशन सच होती है तब जाके सिंपली उसको करो प्रिंट। ओके तो इस तरह से इसको करता हूँ सेव और यही कोड कॉपी करता हूँ और यहाँ पे वापस जाके पेस्ट करता हूँ और देखते हैं इसका आउटपुट के। अब हमें ब्लैंक स्ट्रिंग नहीं मिलनी चाहिए, चलिए एंटर किया मैंने ओके। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग का कंसोल के अंदर आउटपुट में नहीं दिख रहा है, ये देखो सब जो भी यूआरएल मिल रहा है, स्ट्रिंग मिल रही है उसके अंदर कोई ना कोई यूआरएल है। ओके तो इस चीज से बचने के लिए आप इफ का इस्तेमाल कर सकते हो और ये लेंथ का जो भी है आपका जो भी आउटपुट मिलेगा वो एक स्ट्रिंग होगा, तो उसको लेंथ के थ्रू आप उसको फिल्टर कर सकते हो इफ के अंदर। ओके तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर यही चीज अगर आपको इमेज के साथ करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, यहाँ पे सिंपली लिखना है IMG, यानी इमेज टैग जो भी है उसको करो गेट और यहाँ पे जाके आपको सिंपली क्या करना है, उसका टैग को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सिंपली HREF निकाल देता हूँ और ये जो भी इफ कंडीशन है उसको भी निकाल देता हूँ अभी के लिए। ओके इतना करता हूँ सेव और इसको कर देता हूँ कॉपी, यहाँ पे जाके इसको कर या डिलीट, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इस वेब पेज के अंदर जितने भी इमेज टैग के अंदर डेटा है वो सब हमें बारी बारी यहाँ पे कंसोल के अंदर मिले, एंटर किया मैंने तो यहाँ पे ये देखो इतने सारे इमेज टैग यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इमेज टैग ये देखो बारी बारी सब यहाँ पे आपको मिल रहा है। ओके तो इस तरह से आप इमेज टैग के जरिए भी इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको इमेज टैग नहीं लिखना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप एक दूसरा कोड यूज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे आप लिख सकते हो इमेजेस, सिंपली इमेजेस लिखो और एंटर दे दो। सेम टू सेम वही है फ्रेंड्स जो हमने एंकर टैग के अंदर देखा, आप डॉट लिंक्स लिखो या तो फिर एंकर टैग के थ्रू टारगेट करो, ये आउटपुट सेम ही मिलेगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे इमेजेस लिखो या तो फिर टैग के थ्रू जाओ, यहाँ पे कोई आउटपुट में चेंजेस नहीं आने वाला है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका जो भी सोर्स के अंदर जो भी इमेज का यूआरएल है उसको हमें सिंपली प्रिंट करवाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे कोड के अंदर चेंजेस करते हैं, सिंपली यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉट इमेज है तो इमेज के अंदर यहाँ पे एट्रीब्यूट कौन सा है, सोर्स है यानी SRC है, तो यहाँ पे सिंपली लिखना है डॉट SRC। ओके यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स, लिंक के अंदर था HREF तो हमने यहाँ पे HREF लिखा था, लेकिन ये इमेज टैग है तो इसके अंदर सोर्स यूज होता है, तो यहाँ पे सोर्स लिखो, इसको करो कॉपी और यहाँ पे जाके सिंपली इसको करो डिलीट और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट एंटर। ओके तो यहाँ पे ये देखो ये बारी बारी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे वही चीज वापस आ रही है कि एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। तो आपको वही चीज वापस करना है क्या, यहाँ पे इसको इफ कंडीशन के अंदर लिख दो, जैसे कि यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ इफ, यहाँ पे यही कोड आपको लिखना है तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये जो भी सोर्स का जो भी है उसका लेंथ जीरो से बड़ा होना चाहिए, अगर यहाँ पे ये जीरो से बड़ा है तब जाके क्या करो सिंपली उसको कर दो पेस्ट। ओके यही कोड कॉपी किया, वापस यहाँ पे टेस्ट करते हैं ये पेस्ट और एंटर, ये देखो अब आपको ब्लैंक यूआरएल नहीं मिलेगा, हो गया। तो अब आप जो भी यूआरएल को पर क्लिक करोगे सिंपली तो वो क्या करेगा, वो सिंपली आपको यहाँ पे ओपन करके दे देगा, ये देखो आपको जो भी यूआरएल चाहिए सिंपली उसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, आप बारी बारी एक के बाद एक इसको देख सकते हो। ओके तो इस तरह से आपको जो भी पोस्टर है या तो फिर इमेज है वो ओपन होके यहाँ पे पूरा का पूरा मिल जाएगा, ये देखो जैसे कि ये जो भी इमेज है वो इमेज यहाँ पे आपको यूआरएल के साथ यहाँ पे सिंपली मिल जाएगा और यहाँ से आप। ओके तो यहाँ पे तो बहुत सारी इमेज है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें जो भी इमेज है ये जो भी है पोस्टर, वो पोस्टर को हमें नए विंडो के अंदर ओपन करना है, लेकिन
ये सब URL तो अलग अलग प्रकार की इमेज के हैं, हमें ढूंढना है कि ये वाला जो भी है पोस्टर हमें वही चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, ये लिंक चेक कर लेता हूँ। ओके, यानी जिस लिंक के अंदर यहाँ पे i.ytimg लिखा है वही लिंक हमें यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले करनी है। सबसे पहले हम करते हैं इसको फिल्टर। चलिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंड माई लिंक्स ऑफ आई डॉट सोर्स डॉट इंडेक्स ऑफ। हमने ये इंडेक्स ऑफ वाला फंक्शन देखा था फ्रेंड्स, वो क्या करता है, वो सिंपली चेक करता है कि ये जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर जो भी हम यहाँ पे पास करेंगे उसकी इंडेक्स मैच होती है कि नहीं मैच होती है। जैसे कि यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ i.ytimg ytimg, यानी ये क्या करेगा, ये फंक्शन सबसे पहले चेक करेगा कि ये जो भी स्ट्रिंग है, जो भी ये URL है उसके अंदर i.ytimg मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि ये चीज़ यहाँ पे कोई मैच नहीं हो रही है क्योंकि इसके अंदर ये ytimg वाला है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, अगर ये स्ट्रिंग URL के अंदर नहीं मिलती है तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा -1, यानी URL के अंदर उसको वो स्ट्रिंग नहीं मिल रही है। अगर वो इंडेक्स कहीं पे भी मैच होगी तो वो उसका इंडेक्स नंबर प्रिंट करके देगा, तो वो क्या करेगा, सिंपली उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करके देखेगा, जैसे कि ये 5 है, ये 4 है, कोई भी दे सकता है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आपको चेक करना है कि ये जो भी है इंडेक्स ऑफ वाला जो भी फंक्शन है वो जो भी रिटर्न करेगा वो बड़ा हो किस से, -1 से, यानी -1 से बड़ा हो, जैसे कि 0 हो, 1 हो, यहाँ पे 0 भी आ सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे एरे की तरह यहाँ पे स्ट्रिंग की पोजीशन भी 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे सिंपली आपको चेक करना है कि उसका सोर्स जो भी है उसकी इंडेक्स जो भी ये मैच करना है हमें स्ट्रिंग, वो -1 से ज़्यादा हो, यानी 0 या तो फिर 0 से ज़्यादा हो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंपली इक्वल टू भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा कि ये वाला यूज़ करो। ओके, सिंपली इसको कर देते हैं सेव और यहाँ पे जाके सिंपली इसका आउटपुट देखते हैं। इसको किया कॉपी, इसको किया डिलीट और यहाँ पे पेस्ट। मैं बार बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये youtube.com है, उसका एक्सेस मेरे पास नहीं है। तो सिंपली मुझे अगर जावास्क्रिप्ट लिखनी है इसके अंदर तो मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर ही लिख सकता हूँ। यहाँ पे तो ये हमारा लोकल होस्ट था, तो यहाँ पे जो भी लिखते थे वो यहाँ पे दिख रहा था, लेकिन अगर आपको किसी दूसरी की वेबसाइट के अंदर ऐसा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो आपको कंसोल यूज़ करना पड़ेगा। सिंपली पेस्ट किया और एंटर दिया। ओके, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली ये जो भी 6 URL हमें मिले वही URL को हम नई विंडो के अंदर ओपन करके देखते हैं। तो वही चीज़ करना है आपको, क्या करना है, इसको करता हूँ सिंपली कट और यहाँ पे लिख देता हूँ विंडो डॉट ओपन। विंडो को ओपन करो, URL कौन सा, माई लिंक्स के अंदर जो भी सोर्स है वो वाला, और कहाँ पे ओपन करना है, अंडरस्कोर ब्लैंक, यानी नई विंडो के अंदर ओपन करो। इसको करके सेव करता हूँ, इसको यहाँ पे जाके कॉपी किया, इसको डिलीट कर देते हैं, वापस यहाँ पे आके पेस्ट किया और जैसे मैं एंटर दूंगा वो अपने आप यहाँ पे अलग अलग विंडो ओपन करके वहाँ पे हमें इसका जो भी सोर्स है यानी ये जो भी फोटो है वो ओपन करके हमें दिखा देगा। जैसे ही मैंने एंटर किया ये देखो, ओके, यहाँ पे वापस ब्लॉक हो रहा है। सिंपली यहाँ पे जाके आपको अलाउ करना है, वो अपने आप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये देखो अपने आप यहाँ पे बारी बारी ओपन हो जाएगा, जैसे कि ये देखो ये पहला आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा। यहाँ पे YouTube के अंदर सिर्फ इतने ही इमेज लोड हुए थे, ये सब लोड होने बाकी थे तो इसलिए हमें ये सब नहीं दिखा रहा था। ओके, अगर ये लोड हो जाते हैं तो वो अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप एक काम करना, आप सिंपली ये 3-4 इमेज प्रिंट करना, क्योंकि यहाँ पे अगर इमेजेस बहुत सारे हो जाएंगे तो वापस ये ब्राउज़र को क्रैश कर देगा विंडो ओपन करने में। ओके, तो इस तरह से आप अलग अलग लिंक और फोटो को जावास्क्रिप्ट के थ्रू ओपन कर सकते हैं और उसको कंसोल के अंदर उसका URL प्रिंट करवा सकते हैं। सिर्फ URL ही नहीं फ्रेंड्स, आप तो उसका अलग अलग एट्रीब्यूट भी प्रिंट करवा सकते हो, जैसे कि उसकी ID हो, उसका क्लास हो, आप वो सब भी प्रिंट करवा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।